ये मूवी है एक बहुत ही बड़े किंग कोबरा के ऊपर जो इंसान उसे बदला लेना चाहता था। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ खुदाई करने पे इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे सांप मिलते हैं, लेकिन चैंग नाम का एक आदमी इन सांपों को मार देता है। कुछ वर्कर्स उसे सांपों को मारने से रोकते हैं और कहते हैं पहले दिन सांपों को मारना अशुभ है, लेकिन वो उन लोगों की बात को नहीं मानता और सांपों को मार के उन लोगों को काम चालू करने को बोलता है। इसके बाद चैंग अपने मालिक ली से जाके कहते हैं कि वहाँ पे बस कुछ छोटे मोटे सांप ही थे और अपन ने उनको मार दिया है, अब टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर खुदाई के दौरान उसी जगह पे एक बड़ा सांप निकलता है। ये सांप वहाँ पे सभी वर्कर्स को काटने लगता है, उन्हें मारने लगता है। सभी वर्कर्स इधर उधर भागने लगते हैं। मिस्टर ली को यहाँ से सही सलामत निकालने के लिए लोग उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं, लेकिन एंड मौके पे उनका गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। और इधर चैन जेसीबी मशीन चलाने लगता है और वो सांप मिस्टर ली की गाड़ी के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाता है। चैन जेसीबी से उस सांप को गाड़ी से उतार देता है, तभी वो सांप जेसीबी पे चढ़ जाता है और उस जेसीबी को कसके पकड़ के चैन को मारने के लिए जाता है। लेकिन चैन बहुत बार कोशिश करने के पश्चात उस सांप को मशीन से गिरा देता है और उस जेसीबी मशीन के अगले हिस्से से उस सांप के दो टुकड़े कर देता है। यहाँ उस बड़े सांप का बच्चा चैन को अपने माँ को मारते हुए देख लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं और अब उसी जगह पे आज रेस्टोरेंट होटल बन के खड़ा हुआ था और आज इस होटल रेस्टोरेंट को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब मिस्टर ली जो इस होटल के मालिक है वो बूढ़े हो गए थे, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं अब से जो भी इस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होगा वो हार्ट के मरीजों के लिए जाएगा। लेकिन उनके इस फैसले से उनके बेटे जंगिया बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद हम लिन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो इस रेस्टोरेंट में काम करती थी और इनका नाम है जियो। ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर है। हालांकि इनकी बीबी इनसे तलाक लेना चाहती है और यह जेंगिया अपने फादर ली से कहते हैं आप अपना सारा पैसा डोनेट क्यों कर रहे हो, मैं होटल को चलाना चाहता हूँ। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है, तुम ये बात साबित करके दिखाओ तो शायद मैं अपना मन बदल दूं। और तभी रेस्टोरेंट में आया हुआ किसी कस्टमर का बच्चा इनके पास आता है और वो अपनी नकली सांप के खिलौने को लेके उनको डराने लगता है और उस नकली सांप को देख के मिस्टर ली को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि 10 साल पहले हुआ सांप के इंसिडेंट के बाद से मिस्टर ली को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता था। जेंगिया अपने फादर को बीमार देख के काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनके वादे के मुताबिक रेस्टोरेंट का सारा प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाएगा और जेंगिया के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह हमें पता चलता है लीन अपनी शादी कैंसिल कर देता है क्योंकि उसके होने वाले पति को उसका काम करना पसंद नहीं था। इधर मैनेजर जियो को पता चलता है आजकल उनके रेस्टोरेंट में मछलियों का डिश काफी ज्यादा चल रहा है। यहाँ लीन जियो को बताता है कि आजकल उनके रेस्टोरेंट में आने वाली मछलियों का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। यह हम लोग देखते हैं तालाब में कुछ लोग ऐसे चारा डाल रहे थे जिनके वजह से मछलियों का साइज नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा था। अगले सीन में मैनेजर जियो की बीबी उसकी बेटी को उसके रेस्टोरेंट के सामने ले आकर छोड़ देती है, क्योंकि वो अब जियो के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी। और तभी लीन वहाँ पे आ जाता है और उस बच्ची को रोते हुए देखकर उसे चुप कराती है और उसे उसके फादर मैनेजर जियो के पास लेकर जाती है। हालांकि ये बच्ची अपनी फादर जियो से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड के वजह से ही उसके माँ ने उसे दूर कर दिया अपने से। इधर एक छोटा सा सांप इस होटल में घुस जाता है। इसी होटल में चैन भी था, क्योंकि इसने इस होटल को बनाने में काफी ज्यादा मदद करी थी, इसीलिए ये इसी होटल में रहता था और अयाशिया करता रहता था। चैन अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल के एक रूम में था और तभी उसका गर्लफ्रेंड चिल्ला के उसे बुलाती है। चैन वहाँ पे जाके देखता है उनके टॉयलेट पे वही छोटा सा सांप था। इसके बाद चैन सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मैनेजर की भी खूब ज्यादा खबर लेता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों के नजर से बच के ये सांप होटल में कैसे घुस गया, तुम्हें कस्टमर की सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इसके बाद वो सांप को तालाब में फेंक देता है और यहाँ हमें पता चलता है उसी तालाब के अंदर और भी कई सारे सांप हैं। और यहाँ पे एक आदमी जेंगिया को सलाह देता है कि मछलियों का डिश खा के कस्टमर काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कुछ नया लाओ, जैसे कि स्नेक के बने हुए डिशेस, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। यहाँ मैनेजर जियो अपनी बेटी को एक रूम में सुला देता है और लिंक से कहती है आज रात तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना जब तक मैं बाहर का काम देखता हूँ। लेकिन बाहर तो बहुत सारे सांप होटल की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी किसी को भनक भी नहीं था। वही आज रात होटल में डांस का प्रोग्राम भी हो रहा था। यहाँ पे एक आदमी नशे की हालत में चैंग की गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है और जब चैंग को ये बात पता चलता है तो वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। और तभी वहाँ टॉयलेट में से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं। ये सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं
अब ऐसे ही बहुत सारे सांप होटल के अंदर घुस जाते हैं। सांपों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ से बस सांप ही सांप बाहर निकल रहे थे। उनके रास्ते में जो भी आ रहे थे सांप उन्हें मार डाल रहे थे। जेंग ये सब बात जाके अपने मालिक को बताता है, लेकिन जेंगिया कहता है जाओ और इन सांपों को खत्म कर दो। इधर पे मैनेजर जियो और जेंग अपनी जान पे खेल कर लोगों को बचा रहे थे और जहाँ से सांप आ रहे थे उस गेट को ये लोग बंद कर देते हैं। लेकिन चेंग अपने आदमियों के साथ यहाँ पे उन सांपों को मारने के लिए आ जाता है। मैनेजर जियो उसे वो गेट खुलने से रोकता है और इसलिए इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वो गेट टूटता है और गेट के बाहर से एक बड़ा किंग कोबरा आता है और ये वही सांप था जिसके माँ को चेंग ने 10 साल पहले जेसीपी से मारा था। किंग कोबरा चेंग को देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मैनेजर जियो ये बात समझ जाता है कि कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो किंग कोबरा इन सब को छोड़कर बस चेंग के पीछे पड़ा है। वही चेंग किसी तरह अपनी जान को बचा के अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को बताता है कि हमारे होटल में छोटे छोटे सांपों के अलावा भी एक बहुत बड़ा किंग कोबरा भी है। लेकिन जेंगिया घबराने की जगह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चेंग से कहता है अगर सांप को तुम जिंदा पकड़ सकते हो तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन चेंग अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसके मालिक उसको पैसे के लालच देता है तभी वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो कहता है क्या उसे थोड़ा पैसा एडवांस में मिलेगा, आप उनकी गर्लफ्रेंड बहुत खर्चीली है। चेंग अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और कहता है अगर किंग कोबरा को हमने पकड़ लिया तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। जियो किसी तरह होटल के लोगों को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था। वहीं उसके बाद जियो अपनी बेटी और लिंक को लेकर होटल के बाहर आ रहा था। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारे सांप पड़ते हैं। हर तरफ से इनके पीछे सांप आ रहे थे। इसी तरह सांपों से बचकर ये लोग एक सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। जियो कहता है अब हम लोग यहाँ पे सेफ है और तुम लोग अभी यहाँ पे ही रुको, मैं बाहर जाके बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता हूं। जियो की बेटी तभी कहती है आपको मेरी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जियो उसे समझाता है मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, लेकिन बाकी लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और इधर लालच में आकर चेंग अपने आदमियों के साथ किंग कोबरा को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था। बाहर गार्ड भी अपने जान पे खेलकर पानी से सांपों को रोककर लोगों को सांपों से बचा रहा था। जियो मालिक के बेटे को देखने के लिए आता है लेकिन उल्टा मालिक का बेटा ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है तुम इस होटल के मैनेजर हो, तुम्हारे होते हुए इस होटल में इतने सारे सांप कहाँ से आ गए। और मैनेजर जियो कहता है ये सारे सांप तालाब से आ रहे हैं क्योंकि तालाब एकदम पॉल्यूटेड हो चुका था और तालाब को साफ करने के लिए जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे तो आप जुए में उड़ा देते हैं। जेंगिया कहता है वो मेरे पैसे है, मैं उन पैसों का कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या। और इतने जलील होने के बाद मैनेजर जियो अपने नौकरी से रिजाइन कर देता है और अपने मालिक मिस्टर ली को गुड बाय कहने के लिए जाता है। तभी जेंगिया पीछे से उसके सर पे कुछ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर चेंग अपने आदमियों के साथ अभी भी किंग कोबरा को ढूंढ रहा था। जब ही किंग कोबरा यहाँ पे आ जाता है और चेंग के एक एक साथी को पकड़ पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और जेंगिया यहाँ पे आकर चेंग से कहता है किसी भी तरह से इस सांप को वार है उस पे लेके आओ। दूसरी तरफ लिंक को रूम में खतरा महसूस होता है इसीलिए वो जियो के बेटी को लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पे जियो को होश आता है तो वो अपने सामने मिस्टर ली को पाता है। मिस्टर ली उसे बताता है तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी बात हुआ था मैंने वो सारी सुन ली, मैंने अपने बेटे को बहुत सुधारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुधरा, तुम प्लीज इस होटल के सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकालो। इसके बाद जब जियो रूम में आकर देखता है तो उसकी बेटी और लिन नहीं थी क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ गए थे। पर लिन जियो की बेटी को समझाती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते। उसके अलावा लिन एक रूम में उस चारे को भी देखता है जिसको खाकर मछलियां जल्दी जल्दी बड़े हो रही थी और यही चारा खाकर सांप भी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे और इसी की वजह से तालाब भी पॉल्यूटेड हुआ था, इसलिए लीन इन चारों में आग लगा देती है। और तभी यहाँ पे बहुत सारे सांप आ जाते हैं और किंग कोबरा भी इनके पीछे पड़ जाता है। उसके हमले से ये ब्रिज टूट जाता है और जियो की बेटी नीचे गिरने लगती है और तभी वहाँ पे जियो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और नीचे ही वो किंग कोबरा भी था। और जैसे ही किंग कोबरा उसकी बेटी को खाने के लिए आता है जियो अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और उनको लेकर वहां से भाग जाता है। आगे जाकर मैनेजर जियो को एक आदमी सांप के बीच घिरा हुआ दिखता है। वो लिंक से कहती है तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेके जाओ, मैं उस आदमी को बचाता हूँ। उसके बाद जियो चिल्ला चिल्ला के बेसुरा गाना गाने लगता है। तभी उसकी बेटी लिन से पूछता है पापा इतना बेसुरा गाना क्यों गा रहे हैं। यहाँ उसे लिन बताता है कि सांपों को कम दिखाई और कम सुनाई देता है, इसीलिए वो अजीब से आवाज निकाल के सांपों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। यहाँ जियो की बेटी लिन से बताती है
कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ जब सारे सांपों का ध्यान भटक जाता है तो जियो दूसरी तरफ से जाकर उस आदमी को बचा लेता है। दिन जियो की बेटी को गार्ड के पास लेके जाता है और उन्हें उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है और खुद यहाँ पे जियो का वेट करता है। दूसरी तरफ चैन उसके मालिक और उसका गर्लफ्रेंड वार हाउस पे ट्रैप बिछा के सांप का वेट कर रहे थे और जैसे ही सांप वहाँ पे आता है ये लोग उस सांप को एक बड़े से जाल में कैद कर लेते हैं। चैन उसे गोली से मारने की कोशिश करता है लेकिन सांप के ऊपर तो गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जेंगिया चैंग से कहता है कि तुमने आज तक बहुत सारे सांपों को मारा है इसीलिए ये सांप तुमसे ही बदला लेने आया है यहाँ पर। और उसके बाद जेंगिया अपने फादर ली के पास जाकर कहता है कि अब से ये सारा रेस्टोरेंट मेरा हुआ और अब से यहाँ पे मैं सांप की बनी हुई डिशेस बचूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। और दूसरी तरफ वो किंग कोबरा जाल से बाहर आ जाता है और सबसे पहले चैंग के ऊपर हमला करता है। ये सब लोग उससे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जियो इन सब को खतरे में देखकर इन सब की मदद करता है और जैसे ही किंग कोबरा जेंगिया को खाने के लिए आगे बढ़ता है जियो सांप के ऊपर बिजली का खंभा गिरा देता है। शॉक लगने की वजह से किंग कोबरा घायल हो जाता है। उसे घायल देखकर चैंग बहुत खुश होता है और कहता है क्यों क्या हुआ अब तुम उससे बदला नहीं लेगा। और तभी किंग कोबरा उठ जाता है और चैंग को जकड़ लेता है और उसे मारकर अपनी माँ की बदला ले लेता है। और इसके बाद वो जेंगिया के पीछे पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से ही इन सांपों की रहने की जगह तबाह हो गई। जियो अपने मालिक की बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किंग कोबरा जेंगिया को लेकर पानी में चला जाता है। अब यहाँ पर जियो की बेटी और वो गार्ड भी आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी लिंग का हाथ जियो के हाथों में दे देता है और इन लोगों के बीच में अब काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। जिस जगह पर सांप को मार के होटल बनाया गया था वो जगह तबाह हो गया था। इसके बाद हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जिन्होंने 10 साल पहले इस रेस्टोरेंट को खड़ा किया था। किंग कोबरा आता है और मिस्टर ली को भी मार देता है और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको भी कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।